वेरी गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हैव यू चिल्ड्रन, आई होप यू आर फाइन। टुडे वी हैव टू लर्न, आज हम लोग पढ़ेंगे फोनिक साउंड ऑफ ओ। फोनिक साउंड ऑफ ओ, ओके। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं फोनिक साउंड ऑफ ओ के बारे में। अब हम पढ़ेंगे सी ओ पी कॉप, कॉप मीन्स होता है पुलिस। एल ओ जी लॉग, लकड़ी का लट्ठा। सी ओ टी कॉट, कॉट मीन्स होता है चारपाई। एल ओ सी के लॉक, लॉक मीन्स होता है ताला। ओके अब हम पढ़ लेंगे, पहले बुक रीडिंग कर लेंगे। एक कॉट, एक क्या है कॉट, ए बिग कॉट, एक चारपाई है और एक बड़ी चारपाई है, ठीक है। ए लॉग, एक लकड़ी का लट्ठा है, ये देखिए। ए स्मॉल लॉग, छोटा सा लकड़ी का लट्ठा है। ए स्मॉल लॉग इज अंडर द कॉट, जो स्मॉल लॉग है मीन्स लकड़ी का जो लट्ठा है वो कहाँ पे है, अंडर द कॉट, कॉट के अंदर है। ये देखिए, दिख रहा है सभी को, कॉट के अंदर है, देखिए आप लोग। ओके दूसरी लाइन देख लेते अपन। ए बोट, एक क्या है नाव है। ए स्मॉल बोट, एक छोटी सी नाव है। ए रेड कोट, और एक इसमें क्या है, रेड कोट रखा हुआ है। द रेड कोट इज इन द बोट, जो रेड कोट है वो कहाँ रखा हुआ है, इज इन द बोट मीन्स बोट के अंदर रखा हुआ है। द रेड कोट इज इन द बोट, रेड कोट है बोट के अंदर। इन मतलब होता है अंदर, आउट मतलब होता है बाहर। कम इन बोलते ना, मैं आई कम इन मैम, मैं अंदर आ जाऊँ। मैं आई गो टू टॉयलेट मैम, मैं बाहर चला जाऊँ टॉयलेट करने। मैं आई गो आउट, ऐसा होता है, ठीक है। मैं आई कम इन, कम इन, ओके। तो इन मतलब अंदर, आउट मीन्स बाहर। ये होता है आई एन इन मीन्स अंदर, ओ यू टी आउट, आउट मीन्स बाहर, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे फोनिक ड्रिल। ये आप लोग पहले जब लिखेंगे तो सबसे पहले आप लोग ये हेडिंग डालिएगा, ठीक है। फोनिक साउंड ऑफ ओ के बारे में आज हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो फोनिक साउंड ऑफ ओ के बारे में हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। अब वही रेड लाइन के पहले आप लोग ये लिख लीजिएगा, ओ बी, ओ जी, ओ पी, ओ सी के, ओ डब्ल्यू, ठीक है। फिर रेड लाइन के बाद आप लोग लिखिएगा, जैसे यहाँ आप लोगों ने लिखा ओ बी, आपकी कॉपी में फोर लाइन की कॉपी में एक रेड लाइन ऐसी होती है, उसके बाहर आपको लिखना ओ बी, ठीक है। फिर आप लिखेंगे जे ओ बी जॉब, फिर लिखोगे नेक्स्ट एम ओ बी मॉब। मेरे मोबाइल में पूरा नहीं आ रहा है, मैं नीचे लिख रही हूँ, आप एक ही लाइन में लिखिएगा, ठीक है। एन ओ बी नॉब, आर ओ बी रोप, आर ओ बी रोप, ठीक है। नेक्स्ट टाइम लिख देखते हैं हम लोग, ओ जी अंडरलाइन डी ओ जी
डॉग, एफ ओ जी फॉग, जे ओ जी जॉग, एल ओ जी लॉग। नेक्स्ट है ओ पी अंदर लाइन, सॉरी स्टैंडिंग लाइन, फिर लिखेंगे सी ओ पी कॉप, एच ओ पी हॉप, एम ओ पी मॉप। यहाँ पे गड़बड़ हो गया तो इसको नीचे लिख देते एम ओ पी मॉप, पी ओ पी पॉप। उसके बाद नेक्स्ट लाइन देखेंगे ओ सी के स्टैंडिंग लाइन, ओ सी के स्टैंडिंग लाइन, सी ओ सी के कॉक, एल ओ सी के लॉक। मेरा एक लाइन में नहीं आएगा तो मैं नीचे जा रही हूँ, एम ओ सी के मॉप, आर ओ सी के, इसको दूसरी लाइन में लिख देते हैं आर ओ सी के रॉक। अब नीचे लिखेंगे सबसे नीचे लाइन ओ डब्लू स्टैंडिंग लाइन, एस एल ओ डब्लू स्लो, के एन ओ डब्लू नो। जी एल ओ डब्लू ग्लो, एफ एल ओ डब्लू फ्लो। और भी फोनिक साउंड ओ में अगर आप लोगों को और भी कुछ ओ वर्ड्स आते हैं तो आप लिख सकते हैं अपनी मर्जी से भी, ज़रूरी नहीं है कि जो हमारे बुक में है वही आप नोट करें। इसके अलावा भी अगर आपको आता है, आपसे बन रहा है या कोई और स्पेलिंग आ रही है तो आप लिख सकते हो। ओके चिल्ड्रन, यहाँ पे हमारा फोनिक साउंड ऑफ ओ कंप्लीट होता है। अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया ए ई आई ओ, ओके हम लोग पढ़ लिए ओ के बारे में। अब नेक्स्ट जब हम मैथ इंग्लिश का रिवीजन कराएंगे तो आपके जो क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है? तो आप लोग उसका रिवीजन आपको डेली करना है और डेली मैम को होमवर्क सेंड करना है। आप लोग ये मत सोचिएगा कि नहीं ये वाला मैम ने रिवीजन कराया है चलो छोड़ दो, क्योंकि अभी भी कई बच्चों का होमवर्क नहीं आता मेरे पास। तो जो मैं रिवीजन करा रही हूँ तो ये सारे क्वेश्चन आपके रिलेटेड है क्वेश्चन पेपर से, जो भी मैं रिवीजन करा रही हूँ ये सब रिलेटेड है आपके क्वेश्चन पेपर से, मतलब इससे रिलेटेड हर चीज़ क्वेश्चन पेपर में आएगी। तो ये आप लोग का क्या चल रहा है रिवीजन, आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा सुनिएगा और अपनी नोटबुक में डेली होमवर्क करके भेजिए, क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चन छांट करके मैं क्वेश्चन पेपर में दूंगी। ओके चिल्ड्रन, आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही होगी और आप लोग कोशिश करिएगा कि मैम जो भी बता रही हैं, लास्ट बार क्या हुआ था कई बच्चों ने रिवीजन ही नहीं देखा था जिसके कारण बहुत इजी से क्वेश्चन छूट गए। अब मैं उन बच्चों का नाम नहीं लूँगी
मतलब कि अच्छे बच्चों के भी मतलब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों ने ध्यान से पढ़े नहीं या रिवीजन में आपने देखा नहीं कि मैम कैसे करा रही हैं, तो मैं भी वही करूं। आप लोग रिवीजन कम से कम ध्यान से नोट करिए अपने माइंड में, अपनी कॉपी में, कि मैम जो मुझे पढ़ा रही हैं वो मुझे दिमाग में भी बैठाना है और अपनी कॉपी में भी लिखना है। तो उससे क्या होगा कि दिमाग में बैठा रहेगा और जो मैम का क्वेश्चन आएगा ना, तो आप फटाफट आप याद कर लोगे कि नहीं मैम ने ये क्वेश्चन इस तरीके से बताया था, आप कर लोगे। अभी क्या, अभी हम लोग फेस टू फेस मिल नहीं पा रहे। अगर आप लोग मेरे पास होते तो फिर हम लोग तो पिछले साल जैसे पढ़ाई किए थे, लास्ट ईयर हम लोगों ने पढ़ा था ना, तो हम लोग इस साल भी पढ़ते। बट आपको मालूम है ना कि इस समय कोरोना टाइम चल रहा है, कोरोना टाइम में स्कूल में मतलब कि बहुत ही डेंजर है। रोड में जाना, दूसरों से मिलना, हाथ मिलाना, टच करना, ये सब चीज़ें बहुत ही ख़तरनाक है। इसलिए आप लोगों को हम स्कूल नहीं बुला रहे, हम भी नहीं जाते, आप नहीं जाते हो तो हम भी नहीं जाते, इसलिए हम मोबाइल में वीडियो बना करके आपको सेंड कर देते हैं। मेरे बच्चे तो वैसे भी बहुत होशियार हैं, मुझे मालूम है, मेरे सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, मेरा कहना मानते हैं, मेरे साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी कहना मानते हैं। और मैं चाहती हूँ कि जब मैं आप लोगों से मिलूँ, आप लोग सब लोग UKG क्लास में फर्स्ट डिवीजन पास हो जाओ, सारे बच्चे मेरे। ओके चिल्ड्रन, हैव अ नाइस डे चिल्ड्रन एंड सी यू टुमारो। मैम की बात को ध्यान रखिएगा आप लोग, क्योंकि मुझे पता है आप मेरे अच्छे बच्चे हो। बाय।